पूछताक? जी मैडम। ये रख। और आज जो कुछ भी तुमने देखा है उसका जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे। इसकी क्या जरूरत थी मैडम, मैं तो साहब का भी वफादार हूँ और आपका भी वफादार हूँ। आप बेफिक्र रहे, मेरी जबान जिंदगी भर बंद रहेगी। ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बच्चों के लिए। शुक्रिया। नर्स, डॉक्टर, नर्स, नर्स, सबा कहाँ है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ नर्स, सबा कहाँ है? आखिर आप मुझे बताती क्यों नहीं सबा कहाँ है? मिस्टर रोहान, आप क्यों शोर मचा रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप प्लीज आराम करें। नर्स, देखें, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट, प्लीज प्लीज मुझे बता दें कहाँ है वो। रोहान, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गए, तुम्हें पता मैं कितनी परेशान थी। तुम ठीक तो हो ना? मामा, मैं ठीक हूँ। सबा, मामा, सबा के बारे में ये लोग बता ही नहीं रहे। प्लीज मामा, उसके पास ले चले ना, वरना सुकून नहीं आएगा मामा। प्लीज रोहन, एक्सीडेंट बहुत सीरियस था। सबा का इंतकाल हो गया। मैं नहीं मर सकती मामा, सबा नहीं मर सकती। ये सच्चा बेटा, तुम हकीकत को तस्लीम कर लो, वो अब इस दुनिया में नहीं। मेरा बच्चा, मामा मेरा बच्चा। बेटी थी, एक्सीडेंट का शॉक नहीं बर्दाश्त कर पाई। मामा, मेरा बच्चा। तुम्हारी तबीयत पहले ठीक नहीं है रोहन, चुप कर जाओ बेटा। मामा, ये क्या हो गया मामा? आहा, एक मिनट। जी अम्मी, क्या हुआ? रात भर सोई नहीं हुआ आराम से? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बस पूरी रात दिल बहुत बेचैन सा था। अभी दिल चाह रहा है कि खुली फिजा में जाकर कुछ देख ले, सांस लूं। ए, सुबह सुबह इस कुत्ते को तो दूर रखा करो अपने आप से। अम्मी प्लीज, मेरे कैस्पर को कुछ मत बोलना। अच्छा बैठो, मैं नाश्ता बना। नहीं नहीं, नाश्ता मैं नहीं करूंगी, वापस आके कर लूंगी।
वापस आके क्या मतलब? कहाँ जा रही हो तुम? वॉक करने जा रही हूँ। वॉक पे? इस कंडीशन में क्या हो गया रोमी? अच्छा तुम्हारे बाबा जाग जाए, उनको साथ ले जाना। ओफो अम्मी, करीब ही पार्क है, मैं आ जाऊंगी। बाबा को डिस्टर्ब मत करें आप, और वैसे भी कैस्पर है ना मेरे साथ। सुनती नहीं हो मेरी बात। अच्छा वापसी पे मुलाकात होती है। ध्यान से भाई। चिड़ होने की आवाज आ रही है, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? अरे नायला बेगम, तुम कब ये बात समझोगी? हमारी रोमी बेटी एथलीट है, एथलीट। ऐसे लोग घर में बेचैन रहते हैं, उन्हें खुली फिजा में सांस लेने की आदत होती है, और रूमी तो जब से वापस आई है एक आध बार ही कमरे से बाहर निकली। अगर आज वो ना जाती तो मैं खुद उसे जबरदस्ती बाहर भेज देता। बस मौका चाहिए ना आपको रूमी की फेवर करने का, होगा शुरू? अरे जब वो इस घर से रुखसत होके जाएगी ना, तब पूछूंगा तुमसे। सुबह सुबह लंगड़ी महारानी को चहलकदमी करने भेज दिया, घर के कामकाज करने की बजाय सैर सपाटे करवाए जा रहे हैं। तौबा है ऐसे माँ बाप पर। वाकई बच्चा रो रहा है कहीं? चलो कैस्पर देख के आते हैं। मामा ये कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मामा मैंने आपसे कहा था मुझे सभा से मिलना है, मेरी बच्ची से मिलना है। मामा मेरी बात तो सुनो। चुप हो जाओ बेटा, प्लीज चुप हो जाओ, सबर करो। सबर नहीं होता मामा मुझसे अब। जब आपने उनको नहीं बचाया तो मुझे क्यों बचाया आपने? रोहन तुम्हें क्यों हो गया डॉक्टर? प्लीज उसको देखे। रिलैक्स रोहन, प्लीज रिलैक्स। आप क्यों शोर मचा रहे? डॉक्टर साहब मुझे सभा के पास जाना है, मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है, मुझे प्लीज लेकर जाए उनके पास। जी ले जाएंगे आपको उनके पास, आप प्लीज अभी थोड़ा आराम कीजिए। मुझे मेरी बच्ची से मिलना है डॉक्टर। ये आप मुझे उसके पास लेकर जाइए बस। जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है। एक सेकंड, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, ठीक है? लीन का इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर ये आराम से रहेंगे। इनकी हालत से अंदाजा होता है कि इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। जी मेरा बेटा, इसकी वाइफ और बेटी का कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों इंतकाल कर गए। ओ
आई एम सॉरी, लेकिन आपको इन्हें ये खबर फौरन नहीं सुनानी चाहिए थी। अरे तो वाकई बच्चा पड़ा हुआ है। इसका बच्चा ही है। कैसे अजीब लोग ऐसे अकेला छोड़ दिया है। पता नहीं कब से रो रहा होगा। हेलो, कोई है? कोई है? ये बच्चा किसका है? अजीब लोग हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। बहुत इसके माँ बाप के आस पास ही वॉक कर रहे हो। अच्छा रोते नहीं है, प्लीज चुप हो जाओ। शायद तुम्हें भूख लग रही है। रोते नहीं है, अभी आपके लिए कुछ खाने का ढूंढ लेते हैं। हाँ चुप हो जाओ। अच्छा अभी पानी पिलाती हूँ मैं। एक मिनट बस। रोते नहीं है गुड़ी, रोते नहीं है। अच्छा ये लो पानी पी लो, बिस्मिल्लाह। चुप हो जाओ। हाँ क्या करूँ, यही छोड़ दे, इसके माँ बाप के आने का इंतजार करूँ। अच्छा चुप हो जाओ। अल्लाह जी। माँ आप फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही थी, कहाँ हैं आप? मैं रात से रोहान के साथ हूँ हॉस्पिटल में। आप घर कब वापस आ रही हैं? तुम पूछोगी नहीं कि भाई का क्या हाल है? एयरपोर्ट जाते वक्त उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। रोहान कब से कोमा में था, सुबह बहुत मुश्किल से होश आया उसे। यानी जिंदा है ना? चलिए उसकी जिम्मेदारी हो जाए ना तो फिर घर वापस आ जाइएगा। सबा इज डेड। वो तो प्रेग्नेंट थी ना, और उसकी बेटी भी नहीं बच पाई। गॉड, जी मैडम, इस पार्क का वॉचमैन नाम है, क्या काम है? पिछले एक घंटे से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, और उस बच्चे के माँ बाप का भी। क्या मतलब मैडम, इसका माँ बाप नहीं? मेरे कहने का मतलब ये कि उस बच्चे को कौन यहाँ छोड़ गया है? हमको क्या मालूम, हमारा थोड़ी, आप हमसे क्यों पूछ रही है? क्या मतलब है आपका, इस पार्क के चौकीदार हैं आप, आपको पता होना चाहिए कि उस बच्चे को यहाँ कौन छोड़ कर गया है। मैडम सुबह 7 बजे हमारा ड्यूटी शुरू होता है, सबसे पहले तो हमने आपको देखा इस पार्क में। कहना क्या चाहते हो? हाँ उस बच्चे को मैं अपने बैग में डाल के लाई हूँ, होश में तो हो। हमको क्या मालूम, हो सकता है मैडम रात को कोई इधर छोड़ के चला गया, वैसे भी रात को इधर किसी का ड्यूटी नहीं होता। क्या ये पार्क सारी रात खुला रहता है? मैडम जिसका रात को ड्यूटी होता था उसको 4 महीने तनख्वाह ही नहीं मिला, वो यहाँ क्यों फजूल में ड्यूटी करेगा, आप बताएं। अच्छा ठीक है, जब पार्क में फैमिली आना शुरू हो तो उनसे इस बच्चे के बारे में जरूर पूछ लेना, ठीक है? जी ठीक है, हम पूछ लेगा। सुबह सवेरे किस मुसीबत में पड़ गई हूँ मैं। ऑफिस नहीं जा रहे क्या आज? नहीं अम्मी, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और वैसे भी गाड़ी की सर्विस भी तो करवानी है। अच्छा अच्छा, आज जोया की भी कॉलेज से छुट्टी है, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी के लिए खरीदारी भी से शुरू कर दूं। कामिल कहाँ खोए हुए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी जी अम्मी बोले। देखो तुम्हारी शादी की खरीदारी के लिए पैसे चाहिए, जेवरात तो बने हुए हैं, लेकिन कपड़ों के लिए तो पैसे चाहिए ना। हाँ मैं शाम को आते हुए पैसे लेता हूँ। बस तेरे सर पर सेहरा सजता हुआ देख लूँ मैं, यही एक अरमान है मेरा। कामिल भाई, ये आपकी गाड़ी को क्या हुआ? ये आपकी गाड़ी का ये असर किसने किया?
कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है क्या? एक्सीडेंट? नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा हाँ, वो मैंने ऑफिस के एक दोस्त को गाड़ी दी थी, उसने ही हशर किया। तो क्यों देते हो दोस्तों को गाड़ी तबाह करने के लिए? और नहीं तो क्या, अच्छी खासी गाड़ी की हालत खराब करती। ओफो, मुझे थोड़ी पता था ये हशर करेगा, वरना ना देता गाड़ी। और वैसे ये तुम मेरी गाड़ी का इतना मुआयना क्यों करते हो? अरे भाई, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा आपकी गाड़ी निकाल लूं। पेट्रोल खत्म हो गया था, पेट्रोल पंप जाना था ना, तुम्हारे रोज का यही काम है। और प्लीज मेरी गाड़ी से जरा दूर रहा करो तुम। मम्मी, भाई की तबीयत तो ठीक है, नाश्ते में कहीं आपने कोई कौवा तो नहीं खिला दिया? खुदा ना करे, जबान संभाल कर बात करो, हर वक्त भाई के पीछे पड़े रहते हो। एक्सक्यूज मी, ये बच्चा यहाँ काफी देर से अकेला पड़ा है, क्या आप जानती हैं इसके साथ कोई आया है? अच्छा, किससे पूछूं? अच्छी बात है, कोई भी नहीं जानता। हेलो, सुनिए, ये बच्चे के बारे में मैं पूछ रही हूँ, किसी को भी नहीं पता, क्या आप जानते हैं कि इसके माँ बाप यहाँ पे हैं? कोई आया है साथ? नहीं मैम, ठीक है। सुंदर, नाश्ता ले आओ, बहुत देर हो रही है मुझे ऑफिस के लिए। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, क्यों शोर मचा रहे हैं? कितनी बार आपसे कहा है कि जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे एक ही काम के लिए बार बार आवाज मत दिया करें, आप ही का तो नाश्ता बना रही हूँ। अरे भाई, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, उसके लिए देर हो रही है, अब शोर नहीं मचाऊं तो और क्या करूं मैं? हजारों काम है मेरे सर पर और मैं अकेली करने वाली, यहाँ पर किसी को इतना एहसास तो है नहीं कि मेरी मदद ही कर दे। ऊपर से आपकी वो क्रिकेटर बहन जख्मी होकर आ गई है, लेकिन इस पर भी बस नहीं कि जख्मी होने के बावजूद कुत्ता लेकर सुबह सुबह वॉक कराने निकल गई। ये नहीं कि भाभी की मदद करें, भाभी अकेली लगी रहे बस। अच्छा ठीक है, अब बैठ जाओ, नाश्ता करो। पता है मुझे माइग्रेन शुरू हो गई होगी आपको, मैं तो बोलूं तो माइग्रेन शुरू हो जाती है। एक्सक्यूज मी, ये बच्चा काफी देर से बेंच पर अकेला पड़ा है, क्या करूं, किससे पूछूं, इसे कैसे अकेला छोड़ दूं? कामिल, जी, क्यों अचानक गुमसुम क्यों खड़े हो जाते हो? क्या नजर आ रहा है तुम्हें वहाँ? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं गाड़ी चेक कर रहा था, मैं सर्विस कराने जा रहा हूँ इसको, आता हूँ। अच्छा, आता हूँ, आता हूँ। क्या रूमी अभी तक वापस नहीं आई? हाँ ना, इतनी देर हो गई है उसे पार गए हुए, अब तक वापस नहीं आई है। पार्क भी इतनी ज्यादा दूर नहीं है, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। आप फौरन फोन करें उसे, पता करें कि अभी तक वापस क्यों नहीं आई, वरना फिर मैं जाऊं जाके देखूं पार्क में।
अच्छा अच्छा करता हूँ फोन। आपने ही उसे सर पे चढ़ा रखा है, उसे एहसास तक नहीं है कि हम लोग कितने परेशान हैं घर में। अब फोन करने दोगे कि नहीं? यही छोड़कर चली जाती हूँ इसे, मुझे क्या, जब इसके माँ बाप को कोई फिक्र नहीं तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। चलो कैस्पर। जी बाबा। हाँ रूमी बेटा, कहाँ हो तुम, अब तक वापस क्यों नहीं आई? बाबा बस आ रही हूँ 10-15 मिनट में। अरे बेटा हो कहाँ, हम सब परेशान है तुम्हारे लिए। पार्क में ही हूँ बाबा, आप लोग? अच्छा लो अपनी अम्मी से बात करो। अरे पार्क में ही है, खामखा परेशान हो रही हो तुम। रूमी ये क्या हरकत है, इतनी देर पार्क में लगाने की क्या वजह है भाई, तुम्हें कोई एहसास है हम कितने परेशान हैं यहाँ घर पे? जी अम्मी बस आ रही हूँ। फौरन पहुंचो अभी और इसी वक्त। हद हो गई है, अगर दिल घबरा रहा था तो लॉन में टहल लेती ना, पार्क में इतनी देर लगाने की क्या जरूरत थी। आज तो आ जाए ना वो, इतनी अच्छी डांट पिलाऊंगी उसे कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी। तुम तो खामखा परेशान। बस फौरन डिफेंड करना शुरू कर दिया आपने उसे, इसीलिए बिगड़ गई है। किस किस को समझाऊं मैं इस घर में। कैस्पर चलो, घर में सब परेशान हो रहे हैं। मोहब्बत के पीछे क्या से क्या हाल कर दिया मेरे बेटे ने अपना। काश सभा इसकी जिंदगी में ना आती, काश इसकी ये हालत ना होती। अपने बेटे की ये हालत देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला सी ना? तुम दफा जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। मैंने जो कुछ भी किया सोच समझ के किया, अपने बेटे के लिए किया। वो मर चुकी है, बेटा तो मेरे पास है। और जब तुम्हारे बेटे को ये पता चलेगा कि उसकी बेटी जिंदा है तब क्या करोगी? कौन बताएगा ऐसा, रोहन को नहीं पता चल सकता, मर चुकी है, कौन बताएगा उसे? तब पहुंच जाऊंगी उसे। मैंने सब कुछ अपने बेटे के लिए किया, चलो यहां से। अरे साहब मैं तो आपसे कल ही कह रहा था गाड़ी छोड़ जाए, मगर आप तो माने ही नहीं। आदो कल ज्यादा पैसे मांग रहे थे ना, अरे छोड़ो कर दो ठीक गाड़ी। ठीक है अब 30,000 रुपए होंगे। क्या 30,000 रुपए, कल तो 20 बोले थे तुमने।
अरे साहब वो तो कल की बात थी, अगर आपको काम कराना है तो ठीक है, वरना और मैकेनिक है बहुत। अच्छा पकड़ो ये एडवांस, कर दो ठीक गाड़ी, कल तक ठीक हो जाएगी ना? इंशाल्लाह कल रात को ले जाइएगा। अरे साहब सब ठीक है ना साहब? हाँ सब ठीक है। हद कर दी है इस लड़की ने भी। आदिल रोहित, ये क्या है रूमी? रूमी ये किसका बच्चा है? अम्मी वो ये क्या वो ये वो, ये भाई किसका बच्चा उठा लाई हो तुम? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही? अच्छा रोते नहीं है वो, भाभी आप प्लीज इसे देखे ना। देखो? अरे क्या देखूं मैं इसका, मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये कौन है, कहां से उठाया है, ये किसका बच्चा है? अच्छा अच्छा रोते नहीं है, चुप हो जाओ रोते नहीं है, क्या करूं? अरे बेटा बता क्यों नहीं रही कि माजरा क्या है? बाबा मैं पार्क में वॉक करने के लिए गई थी, ये बच्चा मुझे वहां पड़ा मिला है। अरे क्या हो गया, ऐसे भागम भाग कहां से आ रहे हो? सब खरीद तो ना बेटा? कुछ नहीं अम्मी, कुछ भी तो नहीं। क्या कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सुबह भी तुम्हारी हालत तो ठीक थी, तुम तो गाड़ी ठीक करवाने गए थे ना? गाड़ी ठीक करवाने के लिए दे दी है, वो कल तक मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। बेटा मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही, बताओ मुझे क्या हो गया? अम्मी आप तो हर बात के पीछे पड़ जाती है, कहा ना कुछ भी नहीं हुआ, बस तबीयत ही ठीक नहीं। खुदा खैर करे, कुछ तो गड़बड़ है जरूर। या अल्लाह मेरे बच्चे को क्या हो गया, रहम कर हम पर। मैं एक घंटे तक पार्क में बैठी रही, मैंने सोचा कि कोई आएगा इसका पूछने के लिए, मगर कोई भी नहीं आया। किसी को इस बच्ची के बारे में कुछ पता ही नहीं था अम्मी। अच्छा तो जब तुम्हें इस बच्चे का कोई वाली वारिस नहीं मिला तो तुम इसे उठा के घर ले आए? तो मैं क्या करती अम्मी, इसे वहां पे कैसे अकेला छोड़ देती मैं? और मैं तो घर आने भी लगी थी, मगर मुझे इस पे तरस आ गया। मैंने सोचा अगर इसके माँ बाप इसे यूं इस तरह अकेला छोड़ गए और मैं भी ऐसा करूंगी तो खुदा ना खास्ते कि गलत हाथों में ना पड़ जाए। रूमी कभी तो अकल से काम लिया करो, कोई माँ बाप अपने बच्चे को कहीं भी भूल के नहीं जा सकते जब तक कि वो बच्चा उनकी किसी भूल का नतीजा ना हो। क्या मतलब है आपका? सही तो कह रही हूँ, हमें क्या पता कि बच्चा कौन है, किसका खून है, ये उठा के उसे घर ले आइए आराम से। जी जी आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बच्चा दिखने में भी 2-3 दिन का ही लगता है बस। वैसे रूमी तुमने भी हद ही कर दी, भला किसी के घर का कचरा भी उठाकर अपने घर लाता है? कुछ तो सोचा होता रूमी, जमाना कितना बुरा चल रहा है, अरे हो सकता है कि वाकई किसी ने पैदा करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की हो। मगर इसमें इस मासूम बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, ये भी तो हो सकता है कि किसी अच्छी फैमिली का हो। रूमी थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुम्हें, उठाओ इस बच्चे को, उठाओ अभी और इसी वक्त इसे जाके कहीं भी छोड़ के आओ। लैला गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये बात आराम से भी हो सकती है, और रूमी ने जो कुछ किया इंसानी हमदर्दी के तहत किया। जरा सोचो अगर पार्क में बच्चे को कुछ हो जाता तो हम ऐसा करते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं, पुलिस वाले खुद ही इसके माँ बाप को ढूंढ लेंगे।
बाबा मैं भी तो यही कह रही हूँ, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करें इस बच्चे से जान छुड़ाएं अभी और इसी बात। अरे बहू, तुम इस बच्चे को संभालने में जरा रूमी की मदद कर दो। सॉरी अंकल, मैं तो इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सुना तुमने? आप भाई के रूम में क्यों झांक रही थी? मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, अभी कुछ देर पहले ऑफिस से आया तो बहुत परेशान लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि कामिल मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं अम्मी, आपको तो पता है कि भाई सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, ता काम करते हैं, थक गए होंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे खुद ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी अम्मी, भाई के तो शादी के दिन करीब है, अब कहाँ उनका किसी काम में दिल लगेगा। हाय हाय, जरा शर्म हया नहीं तुमने? आइंदा ऐसी बातें मुंह से मत निकालना, बेहया कहीं की। आहा, भाभी भाभी। अरे हाँ भाई, क्या हो गया? गंदे बच्चे, क्या हो गया? एक तो हर मसले के लिए भाभी को आवाज दे दो, और तो कोई काम ही नहीं है ना। भाभी ये कब से रोए जा रहा है? अरे इसको भूख लगी हुई है, इसे दूध पिलाओ। ये लो ये दूध पिलाओ, इसको भी ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं, मुझे तो इसको उठाकर तुम लाई थी, ये तुम्हारा मसला है। मेरे पास पालने के लिए और काम करने के लिए अपने बच्चे हैं, बस। भाभी, ओहो, अच्छा एक सेकंड, बस बस। आहा, रोते नहीं है, शाबाश। आहा, मुंह खोलो। अरे ऐसा ही साहब, मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, क्या कह रही है पुलिस? अरे भाई ठीक से बात ही नहीं सुन रहे, लगता है खुद जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। अच्छा है ना, खुद चले जाएं, बल्कि बच्ची को भी साथ ले जाएं, जान छूटे हमारी इस मुसीबत से। मैं सोच रहा हूँ थाने जाने से पहले एक दफा पार्क का चक्कर लगा लूं, हो सकता है बच्चे के माँ बाप ढूंढते हुए वहां आए। मस्जिद में ऐलान भी करवा सकते हैं। रहमान, आपने जो भी करना है ना, जल्दी करने प्लीज, इससे पहले कि रूमी की इस हमाकत की खबर पूरे खानदान में फैल जाए ना। खुदा के लिए इस बच्ची से जान छुड़ा दे। ठीक है, करता हूँ कुछ। ये क्या कह रही हो तुम? बच्चा? रोमी रोड से कोई बच्चा उठा के घर में ले आई है? हाँ हाँ, तो मैं क्या फारसी बोल रही हूँ? अरे भाई, तुम्हारी बहन को कोई शर्म हया तो आती नहीं है? ना जाने उसके दिमाग में भरा हुआ क्या है जो इस किस्म की हरकतें करती फिर रही है। मुझे एक बात बताओ, पहले क्या घर में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे कम थे जब इंसान का बच्चा उठाकर घर ले आई है? असद, मैं तुम्हें पहले ही कहती थी, अपनी बहन को इतनी आजादी मत दो। लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि बाबा और अम्मी को ये बात मालूम है? हाँ हाँ, आंटी को मालूम है, और आंटी ने ठीक ठाक बेइज्जती की है उसकी। अगर उसकी जगह कोई और होती ना तो शर्म से पानी पानी हो जाती। लेकिन तुम्हारी बहन को शर्म तो आती नहीं है, उठाकर बच्चे को कमरे में ले गई है, खिला रही है, पिला रही है, और तो और उसको छोटे बच्चों की तरह लोरियां सुना रही है। गॉड, मुझे रोमी से इतनी नादानी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं बाबा को फोन करता हूँ। बाबा पार गए हैं बच्चे के माँ बाप को ढूंढने के लिए। मैंने तुमसे कहा था कि आप बच्चे को साथ ही ले जाएं, रिपोर्ट भी करवा दें और बच्चा भी वहीं छोड़ाएं। लेकिन रूमी साहिबा वो तो मानते ही नहीं है। अच्छा मेरी बात तो सुनो, तुमने अपने घर वालों को ये बात बताई तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक नहीं बताई। लेकिन मैं तुम्हें कह देती हूँ असद, अगर आज शाम तक ये बच्चा इस घर से नहीं गया ना, तो मैं ये बात अपने घर वालों को बता दूंगी।
रूमी ये क्या कर रही है? क्यों खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है अपने? गॉड, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? ऐसी बात को तो अफसोस है कि मैं ठीक हूं। सब क्यों हुआ? कैसे हो गया सब? मैं तो सबा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था मामा, फिर ये सब क्यों? तुम हौसला रखो, सफल करो मेरे बेटे। सफल ना की मर्जी, इस दुख के पीछे क्या मसला है? मेरे पास अभी इसका जवाब नहीं है, लेकिन इस बात पर पूरा यकीन है कि हर दुख के साथ सुख जरूर आता है बेटा। तुम्हें भी वो सुख मिलेगा, तुम्हें बस ये दुख बर्दाश्त करना है किसी तरह भी। काश उन दोनों की जगह मैं मर गया होता, खुदा ने उन दोनों की जगह मेरी जान क्यों नहीं ली? ऐसे नहीं कहते, तुम्हें पता है डॉक्टर्स ने कितनी मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई है। अल्लाह ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है, इस तरह नाशुक्री मत करो। देखना, तुम्हारे दिल को जरूर सुकून मिलेगा, तुम्हें इसका सलाह जरूर देगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं आपको ठीक कर रहा हूं। मेरी